हेलो फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज कैप्सूल्स ट्रेनिंग. पर्टिकुलरली इट इज़ फॉर बेस्ड ऑन लैब स्केल एंड ऑल्सो वी कैन इंक्लूड इन थियरी ऑल्सो. सो कैप्सूल, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ कैप्सूल, वो किसका बना हुआ होता है, देन उसका फंक्शन क्या है. सो कैप्सूल जो है वो ग्लाइकोकैलिक्स का बना हुआ एक लेयर है जो सेल के सराउंड में होता है, आउटर मोस्ट वहाँ पे. और ग्लाइकोकोलेक्स ऐसा मटेरियल है जो सॉलिड को वहाँ पे बेस ऑन, अगर ग्लाइकोकोलेक्स प्रेजेंट है बैक्टीरिया के अंदर तो उसी वजह से जो कॉलोनी होती है वो स्मूथ एंड स्टिकी ऑब्जर्व होती है. और जिलेटिनस जो पॉलीमर होता है उसके अंदर पॉलीसेक्राइड, पॉलीपेप्टाइड और अदर मॉलिक्यूल्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. तो सेल के जो भी ये जो लेयर है वो पर्टिकुलरली वेल ऑर्गेनाइज होता है. सो इसको रिमूव करना बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है. सो जो भी स्लिम लेयर होता है उसके अंदर आसपास उसका जोन वहाँ पे, यानी कि जोन ऑफ डिफ्यूजन ऑब्जर्व होता है. देन जो कैप्सूल है वो पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल होती है टॉक्सिक के लिए. तो 90% बैक्टीरिया के अंदर जो भी कैप्सूल है वो रिस्पॉन्सिबल होती है पर्टिकुलर टॉक्सिसिटी. तो वी कैन से दैट दोज बैक्टीरिया विच हैव कैप्सूल दे आर टॉक्सिक फॉर द ह्यूमन और एनिमल्स एंड एट ऑल, ठीक है. तो जो भी कैप्सूल के अंदर पॉलीसेकेराइड्स है, इसके अंदर लीवान, ग्लूकान, डेक्सट्राजी, अलग अलग पॉलीसेकेराइड के जो मोनोमर्स है वो प्रेजेंट होते हैं. और ये मिला के वहाँ पे डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं पॉलीसेकेराइड का. देन इसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बैसिलस एंथ्रेक्स है, यर्सिना पेस्ट्रीज है, ये डिग्लूटामिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं. तो वो बेसिकली डिग्लूटामिक एसिड का है वन टाइप ऑफ मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इट मीन्स प्रोटीन्स. तो ये सब एग्जाम्पल्स है जो बैक्टीरिया कैप्सूल कंटेनिंग होते हैं. तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस है, क्लोस्ट्रीडियम है, एसिडोबैक्टर, राइजोबियम एसिडोबैक्टर, ये सारी स्पीसीज है जो कैप्सूल फॉर्मिंग करती है. अब जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होगी उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, वो कैसे दिखेंगे. जैसे कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है वो ग्रो सॉलिड मीडियम के अंदर ग्रो होंगे तो वो राउंड होंगे, मोइस्ट होंगे और स्लिमी दिखेगी कॉलोनी. इट मीन्स कॉलोनी जो है वो शाइनी दिखेगी हमको बाकी सब कॉलोनी के कंपेरिजन में. और वहाँ पे जो भी अनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होगी वो उनकी कॉलोनी रफ जैसी दिखेगी और उतनी वो शाइनी दिखेगी नहीं, ठीक है. और कैप्सूल जो है वो जो भी रिप्रोडक्शन और बैक्टीरिया की जो ग्रोथ साइकिल है उस पर वो अफेक्ट नहीं करता है. अब कैप्सूल का फंक्शन है कि वो वायलेंस फैक्टर है, इट मीन्स वो बैक्टीरिया को पैथोजेनिसिटी, यानी कि पैथोजन होने के लिए वो उसको वहाँ पे हेल्प करता है. देन फेगोसाइटिक, यानी बाकी सब आसपास के पास ऑर्गेनिज्म है या तो फिर कोई होस्ट है तो उससे वो उसको बचाता है, यानी कि एनहांस द फेगोसाइडोसिस, यानी कि जो भी आसपास में बैक्टीरिया हो जो उससे ज़्यादा रेजिस्टिंग होते हैं या फिर उसको किल करने के एबल हो गए तो उसको वहाँ पे प्रिवेंट करेगा. देन जो भी कैप्सूल जो है वो उसके अंदर वाटर होता है तो डिसेक्शन जो, यानी कि पानी के उसके अंदर अगर पानी का लेयर कम है तो वो थोड़े टाइम के लिए वहाँ पे सर्वाइव हो सकता है पर्टिकुलरली बैक्टीरिया. बैक्टीरिया वायरस जो भी है हाइड्रोफिया टॉक्सिक मटेरियल जो होता है उसमें वो कहीं डिटर्जेंट रिलीज करता है या फिर कहीं टॉक्सिक केमिकल्स भी वहाँ पे वो रिलीज करता है. तो इम्यूनिटी जो कैप्सूल की वजह से जो इम्यूनिटी है पर्टिकुलर उसके अंदर अलग अलग टाइप होते हैं. तो कैप्सूल जो है सेल को अडियर करने के लिए भी वहाँ पे हेल्प करता है क्योंकि वो स्लिमी लेयर है तो वो इजीली वहाँ पे अटैच हो जाएगा. तो फिर कैप्सूल जो है वो उस मोस्टली उसके अंदर पॉलीसेकेराइड एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो है वो पर्टिकुलरली उनके अंदर कैप्सूल प्रेजेंट होता है. अब ये जो कैप्सूल है पर्टिकुलर बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करने के लिए हम अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं लैब स्केल पे जो स्टेन करती है बैक्टीरियल कैप्सूल को. तो यहाँ पे हिस मेथड एंड मानवाल्स मेथड. तो हिस मेथड और मानवाल्स मेथड है जिसके अंदर अलग अलग कैप्सूल कैसे बनती है वो है. तो आज हम यहाँ पे हिस मेथड देखेंगे. तो हिस मेथड के अंदर ये मेथड जो है वो डिफ़िकल्ट है बिकॉज़ यहाँ पे कैप्सूल जो है वो पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है. तो अगर पानी में वो डिजॉल्व हो जाता है तो अगर हम जो भी स्टेन यूज़ करेंगे या कोई रिएजेंट यूज़ करेंगे जो पानी से बना होगा तो वो उसमें इजीली डिजॉल्व हो जाएगा, तो हमको कैप्सूल ऑब्जर्व होगा नहीं. तो इसके अंदर हम प्राइमरी स्टेन और जो है वो क्रिस्टल वायलेट यूज़ करते हैं जो पर्पल कलर का होता है, एंड सेकेंडरी स्टेन जो डिकलराइजर यूज़ करते हैं वो हम है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, ठीक है. तो कैप जो भी प्राइमर क्रिस्टल वायलेट है वो डार्क कलर वहाँ पे कलर कर देने के लिए होगा, एंड जो काउंटरसिंक कॉपर सल्फेट है जो वहाँ पे क्यों है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बनाता है वो. तो कैप्सूल जो नॉन आयोनिक है वाइल बैक्टीरिया जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है. वी ऑल नो दैट कि बैक्टीरियल सेल जो है उसका नेगेटिव चार्ज होता है.
तो यहाँ पे जो हिस मेथड के अंदर हमको रिक्वायरमेंट होती है पर्टिकुलर कोई कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया चाहिए, देन 1% क्रिस्टो वायलेट एंड 20% कॉपर सल्फेट चाहिए। बैक्टीरिया हमको कैप्सुलेटेड इसलिए चाहिए इफ़ दे हैव नो कैप्सूल, देन हाउ वी कैन ऑब्जर्व कैप्सूल इन अ माइक्रोस्कोप। अगर उसके पास कैप्सूल नहीं है तो हम कैसे देखेंगे, इसलिए इट इज़ मैंडेटरी कि कैप्सूल फॉर्मिंग बैक्टीरिया हमको यूज़ करना है ये मेथड के लिए। ठीक है, अब प्रोसीजर है क्या करना है। सबसे पहले एक स्मॉल ड्रॉप लेना है क्रिस्टल वायलेट का स्लाइड के ऊपर, देन अगेन जो भी 3 लूपफुल ऑफ बैक्टीरियल कल्चर जो है क्रिस्टल वायलेट के अंदर आपको ऐड करना है, जो आपको बैक्टीरियल कल्चर जो है उसके अंदर से 3 लूप लेने हैं और उसको क्रिस्टल वायलेट के अंदर मिक्स करना है। देन एक दूसरी स्लाइड लेनी है जो स्टराइल और ब्लैंक हो, तो उससे हम स्लाइड को क्या करना है वहाँ पे स्प्रेड कर देना है, यानी कि एक थिन लेयर वहाँ पे ऑब्जर्व होगा। तो ये जो थिन लेयर है उसको 5 से 7 मिनट तक उसको एयर ड्राई होने देना है, देन उसको हीट फिक्स करना है ताकि बैक्टीरिया आपको इजीली वहाँ पे ऑब्जर्व हो। देन स्लाइड को 20% CuSO4 से वॉश कर देना है। तो जब 20% CuSO4 से वॉश करोगे तो वहाँ पे फिर उसको अगेन उसको ड्राई होने के लिए रखना है, देन उसको इमर्जेंस लेंस में ऑब्जर्व करना है। तो जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होंगे वो बाई यूज़ ऑफ पर्पल कलर वो यहाँ पे ऑब्जर्व होंगे, यानी कि जो सेल होगा वो डार्क पर्पल या ब्लू कलर का दिखेगा बाय क्रिस्टल वायलेट, एंड जो कैप्सूल होगी वो आपको ब्लू कलर की ऑब्जर्व होगी, यानी कि वो CuSO4 से स्टेन होगी। ठीक है, तो ये है डार्क पर्पल कलर का सेल उसके अंदर आपको देखेगा, और जो नॉन कैप्सुलर बैक्टीरिया होंगे वो आपको यहाँ पे ऐसे दिखेंगे। ठीक है,